नमस्कार, कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हमने आपसे वादा किया था कि इनसाइडर स्टोरी को लेकर के हम आपके साथ जुड़ेंगे, यानी कि पर्दे के पीछे की कहानी को। आज हम गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र पर चर्चा करेंगे, चूँकि वहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं और 3 नवंबर को वहाँ भी मतदान होना है। गोपालगंज विधानसभा का उपचुनाव भी काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है और इसकी मुख्य वजह ये भी रही है कि यह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों का पैतृक जिला है, जो आरजेडी की कमान अभी संभाले हुए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनका भी घर कह सकते हैं कि गोपालगंज में है। इसलिए गोपालगंज की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि पिछले 3 चुनाव की बात करें तो गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव के परिवार को मौत ही खानी पड़ी है। यही नहीं, राबड़ी देवी के परिवार को भी नुकसान हुआ है और दोनों परिवार राजनीतिक विरासत नहीं संभाल पाने के कारण यूँ कह लीजिए कि गोपालगंज जिले में आरजेडी हाशिए पर रही है। यह उपचुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है इसलिए कि इस उपचुनाव में जो पिछले 3 बार से चुनाव जीते आ रहे थे बिहार के पूर्व सहकारिता मंत्री, यानी कि बीजेपी और जब जदयू साथ थी तो सहकारिता मंत्री के रूप में सुभाषी वहाँ से विधायक प्रतिनिधि विधायक थे, लेकिन सुभाष सिंह की मृत्यु के बाद यह उपचुनाव हो रहा है और यह सीट जीतने के लिए आरजेडी ने कई बार कोशिश की। आरजेडी के 2 बार रियाजुल हक उम्मीदवार रहे और वो चुनाव हारते रहे। सुभाष यादव यूँ कह लीजिए कि जो लालू प्रसाद यादव के साले हैं, हालांकि उन्होंने कभी गोपालगंज में चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन साधु यादव जो लालू प्रसाद यादव के साले हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा है। पिछले चुनाव की अभी अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी सुभाष यादव वहां से साधु यादव वहां से चुनाव लड़े हैं और वो दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे मोहम्मद आसिफ, वो तीसरे स्थान पर रहे थे। यानी कि महागठबंधन में सीटों के तालमेल के मुताबिक यह सीट कांग्रेस को गई थी और कांग्रेस 3रे नंबर पर वहाँ रही थी। इस बार आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। आरजेडी के मोहन गुप्ता वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मोहन प्रसाद गुप्ता उनका नाम है। पहली दफा आरजेडी ने एक बड़े उद्योगपति को, बड़े कारोबारी को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि मोहन प्रसाद गुप्ता को लेकर के आज बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार तेजस्वी पर निशाना साधा है और बताया है कि वो शराब के कारोबारी हैं और खास करके जो झारखंड में अवैध शराब के मामले पकड़े गए थे उसमें मोहन प्रसाद गुप्ता का भी नाम आता है, क्योंकि जिस कंपनी की शराब पकड़ी गई थी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये भी है। हालांकि मोहन प्रसाद गुप्ता ने सफाई दी है और उन्होंने कहा कि इस कारोबार से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष इस मामले को भी इस उपचुनाव में भुनाने को तैयार है। और यही वजह है कि सम्राट चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है कि क्या वो शराब के अवैध कारोबारी के चुनाव प्रचार में जाएंगे। हम इस पर फिर अगले जब कभी चुनाव की समीक्षा होगी या चुनाव पर चर्चा करेंगे तो आप पर विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि गोपालगंज सीट क्यों हॉट बनी हुई। इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। एक पहला कारण है कि महागठबंधन की जब सरकार बनी है तो आरजेडी का रुतबा, आरजेडी के जनाधार और आरजेडी के लीडरशिप को यह भरोसा हुआ है कि वोटों का जो समीकरण है वो समीकरण बिल्कुल हमारे पक्ष में है। और यही वजह है कि 3 बार जो बीजेपी के उम्मीदवार वहाँ से जीते रहे उनके खिलाफ आरजेडी ने एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया है जो आप कह सकते हैं कि हर तरफ से सक्षम है। हालांकि सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को ही चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है और बीजेपी को भरोसा है कि आरजेडी कुछ भी जोर लगा ले
लेकिन कुसुम देवी को सुभाष सिंह के का जो वोट था वो तो मिलेगा ही, सहानुभूति का भी लाभ उन्हें मिलेगा। ये अलग बात है कि 3 नवंबर को जनता क्या फैसला लेती है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि वहाँ पे खुद लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी भी खड़े हो जाएं तब भी बीजेपी वहाँ पे चुनाव नहीं हार सकती। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वहाँ पे बीजेपी क्यों जीतती रही है, सवाल ये उठता है कि वहाँ पे आरजेडी क्यों हारती रही है, सवाल ये उठता है कि गोपालगंज राबड़ी देवी और लालू प्रसाद का गृह जिला होने के बावजूद भी राजनीतिक हैसियत गोपालगंज में इन दोनों की क्यों नहीं मजबूत हो पाई है। वजह साफ है कि जब कहा जाता है कि घर में फूट होती है ना, तो उसका लाभ बाहरी ले जाते हैं, और यही वजह पिछले रिकॉर्ड को भी आप देखिए तो जब आप देखिएगा कि साधु यादव अगर चुनाव में खड़े नहीं होते तो कांग्रेस उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित होगी। वहाँ पे सवाल ये नहीं है कि महागठबंधन और बीजेपी की लड़ाई है, सवाल ये है कि आखिर गोपालगंज में आरजेडी की हैसियत बढ़ेगी तो साधु यादव की हैसियत घटेगी। इसलिए साधु यादव लगातार कोशिश करते रहे, जो तेजस्वी प्रसाद के मामा हैं, कि किसी भी कीमत पर यहाँ से आरजेडी को जीतने नहीं दिया जाए। और यही वजह है कि पिछले विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो वो उन्होंने अपनी उम्मीदवारी दी और उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार को 3रे नंबर पर धकेल दिया। इस बार के उपचुनाव में भी सुभाष यादव ने अपनी पत्नी इंदिरा यादव को चुनाव मैदान में उतारा है, यही संकट है आरजेडी की जीत के लिए। यहाँ अगर वोटों के समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा वोट अगर है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ अल्पसंख्यकों का लगभग 57,000 मतदाता हैं मुस्लिम, 46,000 लगभग मतदाता यादव के। आप समझ सकते हैं कि अगर माय समीकरण को ही जोड़ लें तो लगभग 1,03,000 मतदाता एक मुश्त अगर चाहे तो किसी भी उम्मीदवार को जिता सकता है। लेकिन आरजेडी के जो उम्मीदवार रहे, चाहे वो अल्पसंख्यक रहे यानी कि मुस्लिम रहे हैं, या फिर यादव रहे हैं यानी कि आप साधु यादव की बात कर लीजिए तो वो तो यादव रहे हैं भले, लेकिन उसकी जीत नहीं हो पाई है। और 15 वर्षों से लगातार 3 बार सुभाष सिंह वहाँ से चुनाव मैदान में जीते हैं और उन्होंने बारी बारी से आरजेडी के उम्मीदवार को साधु यादव को चुनाव मैदान में पराजित किया है। इस बार का जो चुनाव है यह चुनाव काफ़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि कहीं भी उपचुनाव हो सत्ताधारी दल चुनाव नहीं हारता है, ये रहा भी, आपने पीछे भी देखा कि विधानसभा के जो उपचुनाव हुए उस उपचुनाव में आपने देखा कि सत्ताधारी दल की जीत हुई है, चाहे वो आप कुशेश्वर स्थान की बात आप कर लीजिए, वहाँ पे भी सत्ताधारी दल की जीत हुई है। तो आप यह देखिए कि उपचुनाव में सत्ताधारी दल अमूमन जीतता है। ये अलग बात है कि अभी मुजफ्फरपुर में जो उपचुनाव हुए थे उसमें आरजेडी ने चुनावी फतह हासिल की थी, लेकिन कुशेश्वर स्थान में आरजेडी को मात मिली थी, आप जान लीजिए। इस उपचुनाव में आरजेडी ने पूरी ताकत लगाई है, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री वहाँ पे लगातार कैंप कर रहे हैं, चाहे उस गृह जिले के मंत्री हों, मदनी से सुनील कुमार वो भी हैं वहाँ पे, कला संस्कृति मंत्री जो सारण से आते हैं जितेंद्र राय वहाँ पर हैं, मधुबनी से आने वाले समीर कुमार महासेठ वहाँ पे लगे हुए हैं, तो अब कानून मंत्री हैं समी मोहम्मद वो लगे हुए हैं, यानी कि आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक दी। कहा जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव भी वहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे और 4 चुनावी सभा करने की उनकी योजना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी आरजेडी उम्मीदवार की नैया पार लगा पाएंगे। यह सवाल इसलिए मौजूद है कि इंदिरा देवी साधु यादव ये लगातार जनसंपर्क में है और उनका जो नॉमिनेशन हुआ था उस नॉमिनेशन के दिन भी उन लोगों ने काफ़ी भीड़ जुटाई थी। अगर यादव और मुस्लिम वोटों का में बंटवारा होता है तो फिर आरजेडी क्या चुनाव जीत पाएगी। देखना यह है कि इस चुनाव में फिर आरजेडी क्या कर पाती है, लेकिन इतना आप जरूर कर सकते हैं कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में आरजेडी के साथ माय समीकरण भी था, आरजेडी ने बेहतर कैंडिडेट भी दिया था, लेकिन उस समय सत्ता में नहीं होने के कारण आरजेडी को चुनावी फतह हासिल नहीं हो पाई थी। इस बार मोकामा और गोपालगंज में दोनों जगह आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा है, जदयू कांग्रेस और वामपंथी पार्टियाँ उसके साथ हैं और उसके अलावे सत्ता की हनक भी साथ में।
अब देखना यह होगा कि क्या ये गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के बहाने क्या आरजेडी अपनी राजनीतिक हैसियत फिर गोपालगंज में बना सकती है, बरकरार रख सकती है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि गोपालगंज में भी कुछ दियारा का इलाका है, उस इलाके के लोगों का मानना है कि इस बार का चुनाव दिलचस्प है। चूँकि बीजेपी जदयू साथी हिंदूवाद के नारे थे, बीजेपी के नेताओं का एक तरह से कहिए कि जलवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बहाने बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी चुनावी बैतरणी पार करती रही है। इस बार बीजेपी बिल्कुल अलग थलग है, अकेले बीजेपी चुनाव लड़ रही है और उसके खिलाफ में जितनी भी मजबूत पार्टियां हैं वो उसके खिलाफ हैं। लेकिन बीजेपी को कहा जाता है कि तिनके को या डूबने वाले को तिनके का सहारा, और बीजेपी के साथ यही एक साधु यादव जब उसके साथ हैं तो बीजेपी को उम्मीद है कि माय समीकरण का एक मजबूत पक्ष यादव के वोटों में बंटवारा होगा। दूसरी तरफ एआईएमएम के उम्मीदवार अब्दुल कलाम जो है सो वो भी वहाँ पे चुनाव मैदान में, तो बीजेपी को लग रहा है कि अगर यादव और मुस्लिम मतदाताओं में मतभेद होगा तो उसकी चुनावी नैया को पार लगने से कोई रोक नहीं सकता। और आपने देखा भी होगा कि किशनगंज का जो इलाका है, खासकर के सीमांचल के जो इलाके हैं, वहाँ पे एआईएमएम ने अपनी उम्मीदवारी दे करके किस तरह से आरजेडी का बंटाधार कर दिया था। देखना है कि आरजेडी के इस चुनावी नैया को डुबाने में एआईएमएम और साधु यादव कितने कारगर होते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल यह कह सकते हैं कि गोपालगंज का चुनाव भी काफ़ी नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब तेजस्वी यादव खुद पहुंच के क्या उस चुनावी नैया का पतवार थामते हैं, तेजस्वी के प्रति जो युवाओं का आकर्षण है वह क्या 3 नवंबर को देखने को मिलेगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ।